स्टार्ट रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पे जाके न्यू फाइल किया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, फ्लैक्स बॉक्स डॉट एच टी एम एल न्यू फाइल ली एक और सेव कर दिया फ्लैक्स स्टाइल डॉट सी एस एस, क्लिक कर दिया शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाया, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स और एच टी एम एल का कॉन्टेंट बना रहे हैं, हम यहाँ पे हेडर लिख रहे हैं, हेडर के अंदर हम लिख रहे हैं सपोज टू बी ये वेबसाइट का हेडर होगा तो हमारी वेबसाइट का नाम है राशिद एजुकेशनल हब, ठीक है, ये हमने अपने इसका टाइटल बनाया, इस टाइटल को हमने किसी पैराग्राफ के अंदर डाल दिया फॉर एग्जांपल, और नीचे आके इसके नीचे कंटेंट एरिया बनाया साइट के साथ, उसमें सेक्शंस बनाए, तीन सेक्शंस बनाने, उसमें हर सेक्शन के लिए एक एच वन बनाया हेडिंग के तौर पे, और उसमें एजुकेशनल हब पे क्या है डेडिकेशंस, उसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखा गया पैराग्राफ के साथ, उस पर हमने रैंडम टेक्स्ट डाल दिया कुछ, और उसके बाद हमने अगर इसमें कोई बटन भी ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो बटन के लिए हम यहाँ पे बटन यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी सी मोर, ठीक है, फिर हमें इस तरह के तीन सेक्शंस क्रिएट करने हैं, चार करने हैं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने कहा ऑल एजुकेशंस, और यहाँ पे हमने कहा ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा बना लिया हमने ठीक है, तो ये हमने तीन चीजें लिख दी इसके अंदर, और अब देखते हैं ब्राउजर पे एचटीएमएल का पेज कैसे नजर आ रहा है हमारा, ये आपके सामने, ये हमारा ब्राउजर पे मामला, ठीक है, अब आता है इसको स्टाइल देते हैं, हमारा स्टाइल ये कि बड़ा सा हमारा कंटेनर हो हेडर का, उसके सेंटर में ये नजर आए बड़ा बड़ा, और उसके नीचे तीन कंटेनर बनाए, एक उसके बराबर में दूसरा, उसके बराबर में तीसरा, जो इस तरह से डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर आके हमने क्या करना है, देखिए आप गए सीएसएस में, सबसे पहले आपने बॉडी को एज अ सिलेक्टर डिफाइन कर दिया, उसमें मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाई और जीरो पिक्सल कर दिया, इसके बाद आपने नीचे आए हेडर को एज अ सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप नीचे आए आपने एक आईडी बनाई हीरो या मैन टेक्स्ट के नाम से और उसको यहाँ पे सेट कर दिया, उसके बाद आप नीचे आए आपने एस साइट को एज अ सिलेक्टर डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप नीचे आए हैश के साथ आपने एस वन सेक्शन वन के लिए एक ये बनाया और ये आपने बेसिक काम कर लिया, इसमें पहले हम हेडर पे थोड़ा काम करते हैं, इसकी विड्थ को आपने डिफाइन किया 100% और उसके बाद आपने इसकी हेडर को डिफाइन किया और यहाँ पे रख के हमने कहा 400 पिक्सल इसका हेडर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड पे फोटो भी लगा सकते हैं पर मैं एक थोड़ा कलर डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जाहिर हो जाए, उसके ऊपर फॉन्ट का कलर कैसा रहेगा लाजिम बात है, इस पर लाइट सही रहेगा और ये कुछ हमारा लुक इस तरह से बनेगा, फाइल को लिंक नहीं किया है तो अभी हम लिंक कर लेते हैं, यहाँ पे जाके तो क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे लिंक पर और यहाँ पे इस फाइल का नाम है flexstyle.css, गलत फाइल ले ली मैंने, दोबारा से लिख रहा हूँ फ्लैक्स स्टाइल, ये नीचे आ रही है, ये हमारी इसी फाइल का नाम हमने इसके साथ यहाँ पे लिंक कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए आ गया, अब यहाँ पर जाके देखना है कि हाइट की कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है तो यहाँ पे H E I G S T हाइट कर देते हैं और ये सेट हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सेट करते हैं कि ये सेंटर में कैसे आएगा, देखिए टेक्स्ट को तो सेंटर में लाने का एक आसान सा तरीका ये है कि जो मेन टेक्स्ट आपने क्रिएट किया है, ये जो कंटेनर है हेडर का, इसमें अगर आप टेक्स्ट अलाइन डैश सेंटर लिख देंगे तो ये टेक्स्ट को सेंटर करेगा लेफ्ट राइट से, ये इस तरीके से, ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर कोई बॉक्स होता तो ये माइट भी उसको नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर टॉप बॉटम से सेंटर की बात की जाए तो हम उसको इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर कौन सा है हेडर और उसका सब कंटेनर है पी, तो मेन कंटेनर को उसमें जाके इसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले उसको चेंज करेंगे और फ्लैक्स कर देंगे, ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा, जैसी फ्लेक्सिबल बॉक्स बनेगा तो जस्टिफाई कंटेंट की जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे
ये आपको स्टार्ट अगर वैल्यू देंगे तो ऑलरेडी, अगर आप इसमें एंड पास करेंगे तो ये इसको राइट पे ले जाएगा, स्टार्ट रखेंगे तो ये इसको शुरू में ले जाएगा, और अगर आप यहाँ पे सेंटर पास करेंगे तो लेफ्ट राइट से बिल्कुल सेंटर में ला के रख देगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर अंदर कोई बॉक्स भी होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इस मेन कंटेनर में, वो सबको सेंटर कर देगा। अभी नीचे चल के हम उसको देखेंगे। लेकिन अगर टॉप बॉटम सेंटर करना होगा तो अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी फिर काम करेगी, और उसके लिए आप बिफोर स्टार्ट है तो अगर आप एड वैल्यू पास करेंगे तो ये बॉटम पे ले आएगा, और यहाँ पे सेंटर करना होगा तो यहाँ सेंटर करेंगे, इस बिल्कुल सेंटर पे ले आएगा। अब आती बात इस आईडी का, क्या करें, इस आईडी को ले जाके आप इसके पैराग्राफ के साथ लगा दें, और इसके बाद क्लिक करके यहाँ पर आप इसको करें जैसे क्या करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने 46 REM रख दिया, ठीक है, और ये वो बहुत बड़ा हो गया, VM लग रहा है इसके पर, VREM नहीं, VM, VM, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं 10 REM, तो ये देखें भी बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद यहाँ से हम इसको कम करके, कम करते हैं और उसको 2 REM पे कर लेते हैं, ऑफिस में उठा देंगे, ठीक है, और 3, और यहाँ से 4, ठीक है, REM पर हम सेट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमें नजर आने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, बता दो ना, कुर्सी लेके बैठो, ठीक है, तो यहाँ से एसाइड में हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा मसला सेट हो गया। अब आते हैं नीचे एसाइड सेक्शन में, हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को डिफाइन करेंगे, इसकी विड्थ को हम डिफाइन करेंगे 100% कर देंगे इसकी विड्थ को, हाइट इसकी कर देंगे ऑटो, तो भाई जितना नीचे वाला कंटेंट होगा ये खुद ही अपने आप को मेंटेन करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे S1, इस आईडी को हम सेट करेंगे कहाँ पे, विड्थ करेंगे सेट यहाँ पे 300 पिक्सल पर, और हाइट सेट करेंगे हम यहाँ पे 200 पिक्सल पर, और बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे हम यहाँ पे, सपोज टू बी कोई भी, हम एक सा बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ये वाला, और फॉन्ट कलर का सेट करेंगे यहाँ पे ब्राउन के ऊपर, और फिर हम इस पे बॉर्डर डैश रेडियस, टॉप डैश लेफ्ट, डैश रेडियस ये लगा रहे, लेफ्ट टॉप लेफ्ट हो गया, तो टॉप लेफ्ट के बाद हम लेंगे यहाँ से इसका बॉटम लेफ्ट, और उसके बाद लेंगे यहाँ से कॉपी करके टॉप राइट, और इसका भी लेंगे राइट, तो इस तरह से हमने कुछ काम कर लिया इसके ऊपर। क्या करेंगे, इस आईडी को डिफाइन करने के लिए हम इसका टॉप लेफ्ट जो है वो हम रख रहे हैं 50 पिक्सल, और बॉटम राइट इसका रख रहे हैं 50 पिक्सल, और यहाँ पे हम रख रहे हैं 5 पिक्सल, और यहाँ पर भी हम रख रहे हैं 5 पिक्सल, ठीक है। अब इस आईडी को हम जाके लगा देते हैं अपने किस पर, सेक्शन के ऊपर, तो सेक्शन हमारा 1 जो है, साइड तो हमारा यही क्लोज हो चुका था। अच्छा एक बार इसको हटा देते हैं, सही है, 2-3 बार साइड बंद हो चुका है, अब सेट है, तो पहले वाले सेक्शन पे लगाते हैं आईडी, S1 है तो S1 सेक्शन 1, और देखिए इस पे ये इम्पैक्ट पड़ गया। अब आते हैं कि भाई दूसरे सेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से ये जो सेक्शन आपने बनाया है इसको कॉपी करेंगे आईडी वाला, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, और इसका नाम रख देंगे S2, और यहाँ पे जाके रखेंगे S3, और S2 S3 वहां पर भी लिख देंगे। ठीक है, कलर्स कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है एक तो ठीक है, वरना सबका बैकग्राउंड और चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन एक ही अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अब उसके बाद इनके जो टेक्स्ट है वो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सबके लिए सेक्शन यूज हो रहा है तो डायरेक्टली हम सेक्शन के ऊपर भी कोई ना कोई एज ए सिलेक्टर के तौर पर बिठा के और उस पर लगा सकते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन की प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, जितने भी सेक्शन यूज हो रहे होंगे सबका टेक्स्ट जो है क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कुछ लिमिटेशन रखनी है तो फिर वो आप अलग कर सकते हैं, वो आप फिर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं उनकी आईडीज के अंदर, ठीक है, आईडीज पे भी लिखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी जाके, तो सब में अलग अलग लिखनी पड़ेगी, सबका टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा।
तो मैंने डायरेक्टली इसमें लिख दिया। तो ये भी तरीका बता रहा था कि दोनों किस तरह से कर रहे होते हैं। अब आते हैं कि अगला चक्कर है कि भाई अगर हम इसी तरह से चाहते हैं कि सेंटर में नजर आए, तो हम क्या करेंगे, अपने एसाइड वाले कंटेनर को, कौन से कंटेनर को, एसाइड कंटेनर को, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की, चेंज करेंगे और क्या कर देंगे, फ्लैक्स। जैसे फ्लैक्स करेंगे तो ये देखिए तीनों सीधे हो जाएंगे। फिर हमें इसको यहाँ पे लिखना होगा फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डैश डायरेक्शन, उस पर हम बताएंगे कॉलम कि हमें सीधे दिखाने हैं एक के नीचे एक। तो जैसे आप कॉलम करेंगे तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। फिर आप इस पर बताएंगे कि भाई इनको सेंटर में भी लाना है, तो अलाइन डैश आइटम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसकी वैल्यू पास करेंगे सेंटर। तो जैसे आप ये करेंगे ये देख सेंटर में भी आ जाएंगे। फिर अगर इनमें ये गैप्स देने हैं बीच में, तो एक एक की आईडी में जाएंगे और वहां पे एक प्रॉपर्टी लिखेंगे मार्जिन डैश टॉप, और यहाँ पे जाके पास करेंगे आप 5 पिक्सल। तो यहाँ देखेंगे आप इसमें 5 पिक्सल का गैप आ गया। सिमिलरली आप इसको कॉपी करेंगे और इसमें भी और इसमें भी, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सेक्शन में अप्लाई करते हैं तो सारे सेक्शन में एक ही साथ सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें गैप आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि ये एक दूसरे से जरा टच भी हो रहे हैं और जो हमारा बटन है वो बेसिकली इससे बाहर आ रहा है, तो हमें बॉक्स के साइज को भी बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो हम यहाँ पे जो है 250 वाला बॉक्स कर देते हैं। तो देखते हैं 250 के बॉक्स में क्या हुआ, ये देखिए फिर इस तरह से बन जाएगा। तो 250 230 जैसा रखना चाहें सबका बॉक्स साइज वैसा भी कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट पे वो अपने साथ उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का डिजाइन बनाना हो तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ये आपका इस तरह से नजर आने वाला है। ठीक है, और अब आती है बात कि अगर हम तीनों को साथ रखना चाहते हैं तो फिर हमें ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं करनी, फ्लैक्स डायरेक्शन और अलाइन आइटम्स, क्योंकि डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो में ही होती है, हम उसकी चेंज करके कॉलम में कर रहे थे। फिर हम इस प्रॉपर्टी को हटा देंगे यहाँ से और इस प्रॉपर्टी को हटा देंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये तीनों इस तरह से नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और फिर लिखेंगे जस्टिफाई कॉन्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसकी वैल्यू हम पास करेंगे स्पेस इवनली। जैसे स्पेस इवनली पास करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों सेंटर में भी आ जाएंगे और आप देखेंगे कि तीनों का स्पेस, चारों का स्पेस इक्वल इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद जो आपने टॉप मार्जिन सब में अलग अलग डिफाइन किया था, फिर आपको जरूरत नहीं है मार्जिन डैश टॉप अलग अलग डिफाइन करने की, आप सीधा जाके अपने एसाइड में लिखेंगे मार्जिन डैश टॉप, क्योंकि इसका मेन कंटेनर है मार्जिन डैश टॉप, और यहाँ पे 10 पिक्सल पास करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर से इसका 10 पिक्सल का पूरे कंटेनर का मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के लेआउट को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पे नीचे भी ऐसे तीन बनाने हैं तो आपने मजीद कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, इस एसाइड को यहाँ से लेना है और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आ गया आपका नीचे काम, और इस पे टेक्स्ट को चेंज कर देना है। नीचे दो चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ मजीद काम करने की। एक सेक्शन को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, जो भी वट एवर यू वॉन्ट, कोई भी सेंटर वाला, लास्ट वाला, शुरू वाला, पहला वाला, आखिरी वाला, जो डिलीट करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर देगा उनको इस तरीके से। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट में कि जब इसके नीचे जा रहे हैं तो आप ऐसा एक सेक्शन बनाएंगे, एक ऐसा बड़ा सा सेक्शन, ये थोड़ा छोटा होगा और ये बड़ा सेक्शन होगा, जिसमें यहाँ पे एक फोटो लगा दें और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट उसके बारे में लिख दें, ताकि इस तरह आपका ये लेआउट आ जाए। तो आज की हमारी क्लास ये थी कि डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी से कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को सेंटर, लेफ्ट, राइट एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अच्छा वेबसाइट का लेआउट बना सकें और वो हमें इस तरह से दिखाई दे। सही है?